हाय फ्रेंड, आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना सन 752 ईस्वी में किसने किया था? ऑप्शंस है कृष्ण प्रथम, दंतीदुर्ग, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। इसका आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने ही किया था। निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा, कांचीपुरम, मान्यखेत, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शंस है ध्रुव, दंतीदुर्ग, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम। ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्रुव ने किस राज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? अवंती, कन्नौज, उज्जैन, राजगृह। इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। ध्रुव ने कन्नौज शहर को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। ओमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कौन सी बुक लिखी हुई थी? कबीरा मार्ग, कबीरा राज, कबीरा चरित्र, कबीरा उद्देश्य। इसका आंसर हो जाएगा कबीरा मार्ग। ओमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और ये कन्नड़ भाषा में कबीरा मार्ग जैसे महान पुस्तक लिखे हुए थे। आदि पुराण के लेखक दीनसेन तथा गणित सार के महावीराचार्य और ओमोघ वृत्ति के संकर्त्या लेखक रहा करते थे, यानी किनके दरबार में ये लोग रहा करते थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, ओमोघ वर्ष के दरबार में ये महान विद्वान या लेखकी रहा करते थे। ओमोघ वर्ष ने किस नदी में जल समाधि ले लिया था? पिछला क्वेश्चंस में हम बोल चुके हैं वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो ओमोघ वर्ष किस नदी में जल समाधि ले के अपना प्राण त्याग दिए थे? ऑप्शंस हैं कावेरी, ताप्ती, गोदावरी, त्रभंदा। इसका आंसर है त्रभंदा नदी में अपना शरीर को त्याग दिया था जल समाधि लेके। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था निम्नलिखित में से? कृष्ण द्वितीय, कृष्ण प्रथम, ओमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय। इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण द्वितीय जी थे। कन्नड़ कवि पौन, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी, वो किन दरबार या किन सम्राट के दरबार में रहा करते थे? ऑप्शंस है कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ओमोघ वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ के कवि पौन, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है, वो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहा करते थे। एलोरा तथा एलिफेंडा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ था किस काल में? कुषाण काल में, राष्ट्रकूटों काल में, या गुप्तों काल, या पल्लवों के काल में? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों के काल में। एलोरा तथा एलिफेंडा जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, इन गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ था। मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम प्रचार की स्वीकृति मिला था किस काल में? गुप्त काल में, पल्लव काल में, कुषाण काल में, राष्ट्रकूट काल में? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रकूट काल में ही मुसलमानों को व्यापारियों करने का और बसने का और इस्लाम प्रचार की स्वीकृति मिली हुई थी। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आपको पता चल जाए। अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बतलाइए, ताकि अगले वीडियो हम इससे ज़्यादा बेहतरीन पेश कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।